हेलो फ्रेंड्स, आरएचईएल 6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये ग्रेप सीरीज का 11th वीडियो है और इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू डिस्प्ले ओनली द फाइल नेम्स विच मैच द गिवन पैटर्न यूजिंग ग्रेप हाइफन एल ऑप्शन। यदि आपको चेक करना है कि कोई गिवन पैटर्न कौन कौन सी फाइल में अवेलेबल है, उन फाइल का नेम आपको चेक करना है या फाइंड आउट करना है, तो कैसे करते हैं वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए आपको ग्रेप कमांड के साथ में हाइफन एल ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ग्रेप कमांड का जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना ग्रेप, उसके बाद हाइफन एल ऑप्शन, उसके बाद वो पैटर्न या स्ट्रिंग लिखना है जो आप सर्च करना चाहते हैं, उसके बाद वो फाइल पैटर्न लिखना आपको कि आपको कौन किस तरह की फाइल से वो पैटर्न या स्ट्रिंग सर्च करना है। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अभी जो हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है /etc/mysolutions। अब इसके बाद मुझे सर्च करना है कि इस डायरेक्टरी के अंदर ऐसी कितनी फाइल्स अवेलेबल है जिनमें एप्पल स्ट्रिंग अवेलेबल है। तो उसके लिए ग्रेप कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले ग्रेप, फिर हाइफन एल, फिर वो पैटर्न या स्ट्रिंग आपको लिखना है जो आप सर्च करना चाहते हैं। तो अभी हमारे केस में वो स्ट्रिंग है एप्पल। उसके बाद इस डायरेक्टरी की सभी फाइल्स मुझे चेक करना है, तो इसके लिए मुझे वाइल्ड कार्ड यूज करना पड़ेगा स्टार। तो अब ये कमांड क्या करेगा कि /etc/mysolutions के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सभी फाइल्स से ये गिवन स्ट्रिंग एप्पल मैच करेगा, और जिस फाइल से ये स्ट्रिंग मैच होता है उस फाइल का नेम आपको आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। तो एंटर की प्रेस करके देखिए, तो टोटल ऐसी 3 फाइल अवेलेबल है इस डायरेक्टरी में जिनमें ये स्ट्रिंग अवेलेबल है। तो उन फाइल का नेम क्या है, myfile2.txt, myfile.txt, my.txt। अब मुझे क्या चेक करना है कि ये जो डायरेक्टरी है इस डायरेक्टरी की सभी फाइल में मुझे चेक नहीं करना है। मुझे क्या चेक करना है कि जिस फाइल का नेम myfile से स्टार्ट हो रहा हो उसी फाइल में मुझे ये चेक करना है स्ट्रिंग, या उसी फाइल से ये स्ट्रिंग मुझे मैच करना है। तो उसके लिए ग्रेप कमांड किस प्रकार लिखा जाएगा देखिए। उसके लिए ग्रेप हाइफन एल, फिर वो गिवन पैटर्न या स्ट्रिंग, और उसके बाद माय फाइल, और उसके बाद स्टार। तो अब ये कमांड क्या करेगा कि जिस फाइल का नेम माय फाइल से स्टार्ट हो रहा हो ये उन्हीं फाइल्स में ये स्ट्रिंग मैच करेगा, और जिन फाइल से स्ट्रिंग मैच होता है ये उन फाइल का नेम आपको आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। तो एंटर की प्रेस करके देखिए, तो टोटल ऐसी 2 फाइल्स मिली जिनका नेम माय फाइल से स्टार्ट हो रहा है और उनमें एप्पल स्ट्रिंग अवेलेबल है। तो देखिए फाइल का नेम क्या है, myfile2.txt, myfile.txt। इन दोनों फाइल्स में एप्पल स्ट्रिंग अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।